अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। फाइनल एग्जाम मेरे दोस्त, जीत मुबारक हो। मुबारक हो। भूल गई आज की तारीख, आज का दिन, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली थी ना। क्यों भाई, हो गए ना टाइटा फिश, निकल गई ना सारी हवा। ये सारे प्रैंक तुम हमारे लिए किया करते थे, आज हमने सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया। पार्थ भाई, बड़ी याद आई यार तुम्हारी, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा यार तुम्हें याद ना किया हो। हाँ पार्थ भाई, कसम से आपके बिना हम सब की जिंदगी बहुत अधूरी सी हो गई थी। वैसे सच में उन दोनों ने चौंका दिया। पार्थ भाई, तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो यार, वो स्मार्ट हैंडसम क्या कहते हैं, इंटेंस टाइप का लुक हो गया यार तुम्हारा तो। हाँ पार्थ भाई, आप तो बिल्कुल एकदम बदल ही गए हो, एकदम गंभीर टाइप। एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी और एक तरफ मर्डर। खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। क्यों भाई, कहाँ कहाँ खो गए? अच्छा, ये लग रहा था क्या तुम्हें कि इतना सब कुछ होने के बाद हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे? उम्मीद नहीं थी ना कि हम ऐसे मिलेंगे यहाँ इस जगह पर। सच बताएं वे, हमें ना किसी से कोई उम्मीद नहीं है, खून हुआ है हमसे। क्रिमिनल है, क्रिमिनल से कोई रिश्ता नहीं रखता। भाई पगला गए हो क्या? क्रिमिनल होंगे तुम तुम्हारे दुश्मनों के लिए, हमारे लिए तो तुम यार अब भाई हो हमारे। यार हम यार है तुम्हारे, हमारे अपने भी यही सोचते हैं यार। खैर, तो गैरों से क्या गिला शिकवा करें, हम जो है यही है और सही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे घर वाले जो सोचते हैं सोचने तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, जो हुआ एक हादसा था। यार तुम आशिक हो सकते हो, दीवाने हो सकते हो, भले ही बावले हो सकते हो, लेकिन तुम किसी की जान नहीं ले सकते। हमें भरोसा है यार तुम पर, जैसे उसको भरोसा है आंख मूंद कर तुम पर। वो कहती है कि पार्थ कुछ भी करें पर अपने प्यार की जान नहीं ले सकते। वो कहती? हाँ। वो कौन? वो बेबी, एक्चुअली वो तुम्हारा जलेबी वाला केक ना हमें थोड़ा फीका फीका और थोड़ा लो स्टैंडर्ड लग रहा था।
लगता है सुबह की डांट का बराबर असर हुआ है। सुबह जिसका होश नहीं था वही बेटे के लिए अब चिंता से आधी हो जा रही हो बहुरिया। अम्मा जी उसका मूड बहुत खराब था, हमारा दिल बड़ा घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तू उलझुल मत सोच। कहाँ गया होगा? खुली हवा में सांस लेने। इतने सालों के बाद आजादी मिली है। आजादी मिल तो गई है पर देखिए कि आजादी फिर से भारी ना पड़ जाए। क्या है ना दादी, जो आजादी मिलती है ना तो उसकी कदर आनी चाहिए। जिसे अपनी हदें नहीं पता उसे काबू में रखने के लिए भेड़ियों में बांध के रखना चाहिए। देख लीजिए कहीं आते ही अपने आवारा दोस्तों के साथ गुंडागर्दी और अय्याशी करने ना पहुंच गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हमारा लल्ला बदल गया है, हालातों ने और हादसों ने उसे सब कुछ सिखा दिया है। जरा तो तरस खाओ, आखिर वो तुम्हारा भाई है। भाई है तो शराबत से रहे ना। क्या टाइम हो गया है? उसकी मनमानियां और अय्याशी हम इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते ना क्योंकि वो हमारा भाई है। हमारा लल्ला कभी अय्याश नहीं था, हाँ थोड़ा गुस्सेल था, प्यार में दीवाना था, पर उसका नसीब भी खराब था कि ये हादसा हो गया। हमें तो लगता है कि उसको किसी की नजर लग गई थी। दादी आपको उसकी जितनी नजर उतारनी है ना उतार लीजिए, ताकि उसके सारे भूत अभी उतर जाएं और वो एक शरीफ सीधा साधा इंसान बन जाए, क्योंकि बात अब हमारी इज्जत की है। गर्व ठाकुर के रुतबे की है, अपनी इतने साल की बनाई इज्जत पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। अगर फिर से उसने ऊंच नीच की ना हम उसे माफ नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कला प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मेरा दीपक वापस आ रहा है। देखिए पर दीपक की विधवा बन के जीना होगा मुझे। नहीं नहीं प्रेगनेंसी में अगर पेट के बल गिर जाओ तो बच्चा मर जाता है। तेज को हासिल करने के लिए मैं इतना दर्द तो सही सकती हूँ। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। करना क्या चाहती थी, हाँ समझती क्या हो खुद को? क्यों खेल रही हो हमें हमारे अतीत में, और हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की तुम्हारी? पार्थ, हम तो चुप, एकदम चुप।
भगवान भले समझ जाओ, डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से। उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हम, समझे? आज हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। बोला ना, चुप! बिल्कुल मत बोलना, कहीं हम ऐसा ना कर दे जो तुम्हारे लिए गलत हो जाए, या कुछ ऐसा ना बोल दे जो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो। इसलिए बोल रहे, निकल जाओ यहां से, निकलो। तो और ये कैसे मुझको भाई, पागल हो गए हो क्या? उस मीरा ने कितनी मेहनत की यार ये सब इंतजाम करने के लिए, तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अरे हमने बोला था उसे ये सब करने के लिए। सुनो वेद, हमें किसी की हमदर्दी, किसी का एहसान, किसी का फेवर नहीं चाहिए, समझे तुम? यार भाई, तुम उसकी केयर, उसके इमोशन को गलत ले रहे हो। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है। अरे नहीं होना हमें खुश। पार्थ, तुम एक अलग माइंडसेट में हो, तुम अपनी धुन में हो, तुम अपनी दुनिया में हो। वो तो सच्चे दिल से तुम्हें सरप्राइज दे रही थी ना भाई, इंसानियत के नाते एक थैंक यू बोल देते यार उसे। हमें इंसानियत का पाठ मत पढ़ाओ वेद। क्यों? क्यों ना पढ़ाए तुम्हें इंसानियत का पाठ? और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया यार जो तुम इतने बिगड़ गए। पार्थ भाई, जाओ और उससे पूछो क्या किया उसने। उसे सब पता है और हम क्यों गुस्से में है उसे वो भी पता है। और हाँ, उसे जाके बोल देना आज के बाद हमारे जीवन में दखल ना दे, कभी हमारे बीच में ना आए, क्योंकि उसकी ये हरकतें ना हमें अतीत का थप्पड़ रसीद करती हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्थ भाई, एक बात कहें, शायद तुम्हें कड़वी लगे पर एक दोस्त के नाते हमारा फर्ज बनता है तुमको बताना। जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभ चिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। तो जितने बचे हैं ना पार्थ भाई, वक्त रहते उनकी कदर कर लो, कि ऐसा ना हो कि वो भी मुंह मोड़ ले। इक्का दुक्का ही होगा जो तुम्हारे चेहरे पर ना सच में दिल से मुस्कुराहट देखना चाहता है। पार्थ भाई, जो कोई भी इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे, लेकिन निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। और बुरा मत मानो पार्थ भाई, उस दिन ना तुम सच में कंगाल हो जाओगे। दीजिएगा, चलो। बोलिए ना, अभी तो बड़ी डिंगे हांक रहे थे। हाँ, बोलने का वक्त है, तब चुपचाप बैठे हैं। बोलिए। क्या हुआ, कुछ बात करनी है तो बोलो। भाई साहब, दरअसल हमें ये पूछना था कि पार्थ के बारे में आपने क्या सोचा है? हमारा मतलब ये था भाई साहब कि पार्थ अब कहां रहेगा?
ये कैसा सवाल है? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को क्या लगता है ये घर पे सिर्फ तुम्हारा हक है? ये पार्थ का भी घर है और वो यहाँ ही रहेगा। माँ, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। हमारा पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब, और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? डर लगता है हमें हमारे देश से, अपनी यादों से। उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हम। सॉरी पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमें तो लगा कि आप खुश होंगे। हमें लगा कि आपके दिल में अभी भी पायल के लिए प्यार है। पर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि आपको तकलीफ होगी तो हम ऐसा कभी नहीं करते। काश आप ये जान पाते कि हम आपको तकलीफ पहुंचाने का सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी एक मुस्कान एक तरफ। So sorry. हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभचिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। पार्थ भाई, जो खोई भी इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे। लेकिन निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। बोला ना, चुप। पार्थ, पार्थ,
सॉरी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपकी गलती नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर रहो। मेरा तोर ये कैसी मुझको थे पार्थ, आप कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आप भले ही बाहर से बहुत सख्त दिखते हो, लेकिन आपका दिल बहुत नाजुक है। हम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने के लिए तैयार हैं। हमारा वादा है आपसे, हम आपकी खोई हुई खुशियां लौटा कर रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े।